Good morning, students. Today we will start our unit number 4, adventure. What do we mean by adventure? क्या होता adventure? हाँ, adventure mean something different task है ना, bold and risky with a and great experience है ना. जैसे हम कुछ अलग करते ना तो हम बोलते ना कि दिस इज़ वेरी एडवेंचरस, मतलब बहुत जोखिम वाला, थोड़ा डिफरेंट काम है, रिस्की है. जैसे माउंटेन क्लाइंब करना, लॉन्ग हाई जंप करना, मरीन ड्राइव करना, वो सब क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर एडवेंचर्स. हम लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो एडवेंचर. ओके, और ये हम सबको लाइफ में करना भी चाहिए है ना. इससे हमको अपनी क्या पता चलती है, स्ट्रांगनेस, स्पिरिट का एक्सपीरियंस होता है और हमको अच्छा भी फील होता है कि हमने कुछ अलग हटके किया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 1. यू कैन सी हियर सम पिक्चर्स ऑफ इंडियन वुमन है ना. आप यहाँ देख रहे हो ना, ये पिक्चर्स है. तो फर्स्ट पिक्चर में कौन है ये, दिस इज बछेंद्री पाल है ना. ये कौन है, बछेंद्री पाल, और एक कौन है, इन्होंने कुछ अचीव किया था इसलिए इतनी फेमस है. शी इज अ फर्स्ट माउंटेनियर ऑफ इंडिया है ना. इंडिया की फर्स्ट माउंटेनियर है जो माउंट एवरेस्ट पर ट्रैकिंग इन्होंने की थी है ना. एंड सेकेंड इज प्रतिभा पाटिल. हु इज शी, शी इज फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट. एंड थर्ड वन इज साइना नेहवाल. शी इज ऑल्सो वेरी सक्सेस बैडमिंटन प्लेयर है ना. और इन्होंने क्या अचीव किया था, शी इज फर्स्ट इंडियन वुमन बैडमिंटन प्लेयर हु वन द ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक्स. ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को जीता था बैडमिंटन में. एंड लास्ट वन इज सुनीता विलियम्स. ये इंडियन ओरिजिनेट NRI है जो कि US में, US की तरफ से कहाँ गई थी, स्पेस वॉक करने. एंड एस्ट्रोनॉट है ये, और इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया था, शी इज मोस्ट लॉन्ग टाइम स्पेस वॉकर. उन्होंने स्पेस में सबसे ज़्यादा टाइम रहने का वुमन का रिकॉर्ड बनाया था. तो ऑल दीज आर फेमस इंडियन पर्सनैलिटीज. ये सब क्या है, बहुत फेमस इंडियन पर्सनैलिटीज हैं. ओके, बट टुडे वी विल नो अबाउट बछेंद्री पाल द फर्स्ट वन. ओके, अ हीरोइन ऑफ द हिमालयस. इनको ऐसा क्यों बोला है, बिकॉज इन्होंने हिमालय पर्वत पर माउंटेनियर के रूप में ट्रैकिंग की थी. ओके, और रिकॉर्ड बनाया था. बछेंद्री पाल वॉज बॉर्न इन 1954 इन अ विलेज कॉल्ड नकुरी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल इन उत्तरांचल. वहां पर इनका बर्थ हुआ था. हर फादर किशन सिंह पाल वॉज अ स्मॉल ट्रेडर. ट्रेडर जानते हो ना आप क्या होती, जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं. द फैमिली हैड 5 चिल्ड्रन एंड बछेंद्री पाल वॉज द मिडल वन. मिडल वन मतलब बीच के, से 5 चिल्ड्रन है तो वो सेकेंड या थर्ड वन वो होंगी. ओके, राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड. बछेंद्री वॉज वेरी एक्टिव, तो वो अपने चाइल्डहुड मीन्स बचपन से ही बहुत एक्टिव थी. शी वॉज गुड एट बोथ हर स्टडीज एंड स्पोर्ट्स. वो दोनों में ही बहुत अच्छी थी, अपनी स्टडी में भी और गेम्स में भी. बछेंद्री फर्स्ट माउंटेनियर एक्सपीरियंस वॉज एट द एज ऑफ 12. जब वो 12 ईयर की थी तो उन्होंने माउंटेन पर जाने का एक्सपीरियंस अचीव किया था है ना.
She along with her classmate went for a picnic. जब वो अपने क्लासमेट्स के साथ पिकनिक पे गई तो उन्होंने कितनी हाइट सी क्लाइम्ब अ हाइट ऑफ 13.123 फीट विद अ फ्यू ऑफ हर फ्रेंड्स. तो इतनी हाइट पर उन्होंने क्लाइम किया है ना. However, they couldn't climb down the height as it became dark. लेकिन डार्क मतलब रात हो गई थी तो फिर वो उसके बाद ज़्यादा नीचे नहीं आ पाई है ना. They had to spend a night without food and shelter. और वहाँ पर ही वो नीचे नहीं आ पाए क्योंकि अंधेरे में आना रिस्की था. तो वहीं पर ही उन्होंने नाइट स्पेंड की बिना खाना पानी के. It was an unforgettable experience for Bachendri Pal and it increased her love for adventure and mountaineering. तो उनको क्या हुआ जब फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा किया तो उनको इस चीज के लिए ज्यादा इंटरेस्ट आ गया. Though there were hardship, वहां पर क्या थी इतनी परेशानियां थी. Hardship means difficulties. But Bachendri Pal continued her studies and completed it successfully. और इसके बाद भी उन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया. The principal of the school advised her parents to send her to college. फिर जब उनका स्कूल पूरा हो गया कंप्लीट हो गया तो प्रिंसिपल ने क्या बोला कि आप इनको कॉलेज भेजो. She completed her study and become the first girl in her village to graduate. और वो अपने विलेज में फर्स्ट ऐसी गर्ल बनी जिन्होंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया था. ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज Bachendri Pal ऑल्सो सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन द इवेंट ऑफ राइफल शूटिंग. और उस टाइम पे उन्होंने कंपटीशन हुआ राइफल शूटिंग का, ये पिक्चर में देख रहे हैं ना आप, तो उन्होंने उसमें भी फर्स्ट प्राइज वन किया, जीता है ना. Now come to the page number 35. One day Bachendri Pal told her parents about her dream to of become a professional mountaineer. फिर जब उनको इस चीज में इतना इंटरेस्ट आ गया था तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे भी माउंटेनियर बनना है, जो माउंटेन पर चढ़ के जाते हैं उनको माउंटेनियर्स कहते हैं. Her parents did not like her idea. अब कुछ जब भी हम कुछ अलग करना चाहते तो पेरेंट्स को क्या लगता है कि ये ऐसा नहीं कर पाएगी. और उन्होंने सोचा कि एक वूमन है तो ये क्या है, इसको बहुत प्रॉब्लम होगी और इसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए. They wanted her to be a teacher. और उन्होंने क्या सोचा था कि ये टीचर बन जाए तो अच्छा है, इसकी लाइफ ईजी हो जाएगी. बट Bachendri Pal was firm मतलब अपने इरादे में पक्की थी वो, है ना, कि मुझे यही काम करना है. तो उन्होंने क्या बोला, शी कन्विंस्ड हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू ज्वाइन द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. उन्होंने क्या बोला, उसकी माउंटेन पे कोई ऐसे नहीं चढ़ाता कैसे चढ़ जाएगा, एक ट्रेनिंग करनी होती कि हमको कैसे वॉक करना है, बहुत सारे रिस्क होते माउंटेन्स पर. तो उन्होंने पेरेंट्स को कन्विंस करना मतलब समझा लिया है ना कि मुझे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ज्वाइन करना है. हर इंस्ट्रक्टर्स सून रियलाइज दैट शी वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट एंड ट्रीटेड हर एज एवरेस्ट मटेरियल. और वहाँ जब उनके इंस्ट्रक्टर ने उसकी एंथुसियाज्म को देखा, उसके इंटरेस्ट को देखा, तो समझ गए कि ये माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइम कर सकती है. एवरेस्ट मटेरियल मतलब एवरेस्ट को क्लाइम करने में ये कैपेबल है. ओके. इन 1982 वाइल एट NIM Bachendri Pal हैड द अपॉर्चुनिटी टू क्लाइम द गंगोत्री एंड रुद्रगैरा पीक एज वेल. और उस टाइम को ये दोनों पीक्स पर भी क्लाइम करने का चांस मिला. Meanwhile, she also got the job of an instructor at National Adventure Foundation, which trains women for mountaineering. तो आपको समझ में आया,
उसके बाद उनको जॉब भी मिल गई कि कैसे माउंटेनियर्स को, वुमन माउंटेनियर्स को गाइड करना है ना, ट्रेंड करना है, तो इंस्ट्रक्टर की जॉब भी उनको वहाँ पर मिल गई। तो आपको ये समझ में आया ना, आगे मैं आपको फिर बाद में बताऊँगी। थैंक यू।